फ्रेंड्स वी आर लर्निंग हाउ टू रीड पैराग्राफ्स, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, हाउ टू इंक्रीज अवर वोकैबुलरी बाय रीडिंग दिस पैराग्राफ्स ओनली। पैराग्राफ्स को रीड करके हम वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश रीडिंग कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं। आपको तो पता है इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश भाषा हमें सुननी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत ग्रामर का टॉपिक भी पढ़ना चाहिए और साथ साथ में आपको रीडिंग भी करनी चाहिए। यदि मैं आपको तुरंत बोलता हूँ आपको आपके कंट्री के ऊपर 10-12 सेंटेंसेस किसी को बोल के दिखाने हैं या स्पीच देना है, तो क्या आप तुरंत दे पाओगे? दे भी पाओगे, लेकिन आपके मन में डर रहेगा हमने कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं की है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको शुरू शुरू में सिंपल सिंपल टॉपिक्स पढ़ना है, उनमें जो वोकैबुलरी है वो आपको याद रखनी है और बिना देख के यह पैराग्राफ आपको किसी को बोल के दिखाना है। मुझे पता है हर एक लाइन आप बोल तो नहीं सकते हो, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो आपको आते हैं वो तो आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यह पैराग्राफ मैंने पढ़ा है माई कंट्री और इंडिया के ऊपर, और जो सेंटेंसेस मैंने पढ़े है उनको मैं बिना देख के बोलने की कोशिश करता हूँ, सिक्वेंस वाइज नहीं भी आएंगे। For example, India is my motherland. I love it very much and I am proud to be an Indian. India got the freedom on 15 August 1947. After independence, India became a democratic country on 26 January 1950. Mr. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. The national game of India is hockey and the national language of India is Hindi. There are 29 states in India. There are many monuments and historical places in India. तो ये जो सब sentences है, simple simple sentences है, बिना देख के मैंने आपके सामने बोले हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और साथ में आपको क्वेश्चन भी फ्रेम करने। और एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो, पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स है उनके मीनिंग्स मैंने आपके लिए दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हार्ड वर्ड्स देख सकते हो, जैसे मदरलैंड, मातृभूमि, प्राउड, गर्व, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, मोन्यूमेंट, स्मारक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, होस्टेड, फैराया, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बिना बंधन। तो ऐसी वोकैबुलरी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है, मैं आपके पास एक डिक्शनरी देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ आपको इसमें से 1000 वर्ड्स रटने हैं या याद रखने हैं, तो क्या आप वो याद रख पाओगे? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अनलेस एंड अंटिल वह वर्ड आपको सेंटेंस में नहीं जाता है, तब तक आप उस वर्ड को ज्यादा ध्यान में नहीं रख सकते हो। इट मीन्स रीडिंग का यह एक बड़ा फायदा होता है और आपको लाउड रीडिंग करनी है, सिंपल टेक्निक है। और इसी पर आपको मैंने ट्रांसलेट भी किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भारत मेरी मातृभूमि है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और एक भारतीय होने पर मैं गर्व करता हूँ। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से पढ़ सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़े तो कैसे पढ़े? पढ़ने का भी एक टेक्निक होता है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो हर एक लाइन का ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए। 1, 2, 3, 4 बार आप इससे पढ़ो, उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। लेकिन क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए आपको हर एक लाइन का ट्रांसलेशन, उसमें जो हार्ड वर्ड्स है उनके मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ और उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट टेक्निक आपको देने वाला हूँ, क्योंकि पैराग्राफ तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तो आप बोर हो सकते हो, लेकिन आगे जो मैं टेक्निक देने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरी आपसे विनती है आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। और फ्रेंड्स मोर देन 100 पैराग्राफ्स की सीरीज हमने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और साथ में अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी रीडिंग आप कर सकते हो। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इंडिया इज माई मदरलैंड, भारत मेरी मातृभूमि है, एंड आई लव इट वेरी मच, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। इट इज फेमस फॉर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, यह प्रसिद्ध है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का अर्थ होता है ऐतिहासिक स्मारकों के लिए यह प्रसिद्ध है, एंड प्लेसेस लाइक द ताजमहल, ताजमहल जैसे प्लेसेस के लिए यह फेमस है। इंडिया गॉट द फ्रीडम, गेट का पास्ट टेंस गॉट है, भारत को स्वतंत्र मिला, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र। ऑन 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्र मिला, यह तो हमें पता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्र के बाद इंडिया बिकेम, इंडिया हो गया, बिकम का पास्ट टेंस बिकेम है, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, कंट्री का मतलब होता है देश। स्वतंत्र के बाद भारत हो गया अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट मीन्स लोकतांत्रिक देश हो गया। ऑन 26 जनवरी 1950 में भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पंतप्रधान बने, एंड होस्टेड द इंडिया नेशनल फ्लैग, उन्होंने
नेशनल फ्लैग फहराया, आप वोकैबुलर में आके देख सकते हो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, होस्टेड का मतलब होता है फहराया, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी बंधन के बिना। यह वर्ड हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम वोकैबुलर भी बढ़ा रहे और इसे पढ़ भी रहे हैं। द मदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, भारत की जो मातृभाषा है वह हिंदी है। बट नाउअडेज मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन इंडिया, बट अभी के दिन बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस भी भारत में यूज हो रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी बंधन के बिना। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बट इंडिया हैज मोर क्रेज ऑफ क्रिकेट, लेकिन भारत में क्रिकेट की बहुत ही क्रेज है, आकर्षण है। एंड इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, और भारत यह एक खेलने को प्रायोरिटी देने वाला कंट्री है, खेलने के ऊपर प्यार करने वाला कंट्री है, देश है। इंडिया हैज मेनी फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, भारत के पास ऐसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक स्मारक है। एंड प्लेसेस विच अट्रैक्ट टूरिज्म इन इंडिया, और ऐसे प्लेसेस है जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे आप पढ़ सकते हो, देर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, भारत में 29 स्टेट्स है। एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इज द गंगा, सबसे लंबी नदी है दी गंगा। द मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया ताजमहल इज अ वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट दैट अट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ टूरिस्ट, जो ताजमहल है वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे टूरिस्ट को, पर्यटकों को। कश्मीर इन इंडिया नोन एज हेवन ऑफ द अर्थ, कश्मीर को हेवन ऑफ द अर्थ बोला जाता है, पृथ्वी पे जो स्वर्ग है उसे कश्मीर कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। इंडिया इज अ कंट्री विच हैज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजन कल्चर एंड ट्रेडिशन लाइक हिंदू मुस्लिम सिख एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो आप वोकैबुलरी में आके, कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो यह सब वर्ड्स हमें कैसे पता रहेंगे, इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, रिलीजन है, कल्चर है, इट मीन्स इंडिया में बहुत सारी जाति है, धर्म है, संस्कृति है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक्सेट्रा, तो उस लाइन का मतलब वही है। तो आपको वोकैबुलरी भी याद रखनी है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। उसके बाद सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन, इसीलिए इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स है। कॉस्ट्यूम्स का मतलब होता है रूढ़ी, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो इसलिए भारत में विविध प्रकार की रूढ़ी है और परंपरा है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो आपको क्या पता चला, जब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो स्टेप बाय स्टेप मेरा शब्द संग्रह भी बढ़ रहा था, और उसके बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक लाइन के ऊपर मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट टेक्निक देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कौन सा टेक्निक दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पढ़ना कैसे, वोकैबुलरी कैसे ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करना है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, फ्रेंड्स हमारा एक बहुत ही सुंदर ऐप है, यू कैन स्पीक इट एन ऐप। यदि आप हमारे ऐप में जाके 60 to 90 days का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स परचेस करते हो, उसके साथ आपको 4 किताबें आपके पते पे मिलती है, और इसी प्रकार ग्रामर का भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप वो कोर्स देख सकते हो, और साथ में हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप जुड़ सकते हो। आगे देखते हैं, इंडिया इज फेमस फॉर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस लाइक द ताजमहल, आपको क्या करना है, यह लाइन तो मैंने पढ़ी है लेकिन मुझे क्वेश्चन बनाना है, वर्बल क्वेश्चन मुझे बनाना है, क्या भारत हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस लाइक ताजमहल के लिए फेमस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस इज को आपको पहले लेना है, इज इंडिया फेमस फॉर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस लाइक द ताजमहल, क्या भारत हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के लिए और प्लेसेस लाइक ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना है। भारत क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है बट, यहाँ पे लिखना है व्हाई, व्हाई इज इंडिया फेमस फॉर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस लाइक द ताजमहल, सिंपल है। तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, इंडिया गॉट द फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, इंडिया को स्वतंत्र मिला। अभी आपको क्या करना है, पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना है और मुझे आपसे पूछना है क्या भारत को 1947 में स्वतंत्र मिला, ये वर्बल क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस लाइन में आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, वर्ब के पास जाना है और डू डज डिड कंसिडर करना है। तो गॉट या पास्ट टेंस है, यहां से मैं डिड कंसिडर करूंगा, देन आफ्टर मैं सब्जेक्ट ले लूंगा डिड इंडिया, और यहाँ पे मैं गॉट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, गेट। डिड इंडिया गेट द फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, क्या भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र मिला, भारत को स्वतंत्र कब मिला, तो कुछ नहीं करना है। इससे पहले आपको डब्ल्यूएच की टेल लगानी है, व्हेन डिड इंडिया गेट द फ्रीडम, आपको आगे ऐसे नहीं लिखना है ऑन 15 अगस्त 1947, नहीं, क्योंकि इसका आंसर ही क्या है, 15 अगस्त 1947।
तो आपको पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको बनानी है। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? कैसे करोगे आप? कुछ नहीं करना है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो आपको यहां लेना है, इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी। आपको ऐसा नहीं बोलना है इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी, डबल डबल आपको इज नहीं बोलना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यूएच की टेल लगाई, आपके डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यह एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ध्यान में रखना है, यदि आप हमारे ऐप से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कम कीमत में बाय करते हो तो उसके साथ आपको 4 किताबें 8 से 10 दिन के अंदर आपके पते पे मिल सकती है। इंडिया हैज मेनी फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। लाइन का मीनिंग क्या है? भारत में कई सारे प्रसिद्ध हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड जगह है। तो मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या भारत के पास कई सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है? तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे आप? सिंपल है, इस हैज को आपको कंसिडर करना है पहले। इसका उपयोग आप हेल्पिंग वर्ब जैसा भी कर सकते हो। हैज इंडिया, सिंपल क्वेश्चन हैज इंडिया मेनी फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, ये क्वेश्चन आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। डज इंडिया हैव मेनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, ऐसा भी आप बना सकते हो, नहीं तो इसका उपयोग आप हेल्पिंग वर्ब जैसा भी कर सकते हो। फ्रेंड, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, यदि आपने टेंसेस 2 घंटों में नहीं पढ़े हैं, हमारी टेक्निक की सहायता से पढ़े हैं, तो आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। भारत के पास कितने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है? हाउ मेनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैज इंडिया, और हाउ मेनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स डज इंडिया हैव, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं? यह ग्रामर का टॉपिक होता है। आगे देखते हैं, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। क्या वहां पे 29 स्टेट्स है? सिंपल है, आर देयर 29 स्टेट्स इन इंडिया। मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना है, कितने स्टेट्स है? हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया, या हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। फ्रेंड्स, हर एक लाइन के ऊपर मैं क्वेश्चन अगर बनाऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक लाइन आप देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस, इट मींस इन इंडिया। क्या इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस है? आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस। मैं कैसे बना रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस आर को मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूं, पहले मैं वर्बल क्वेश्चन बनाता हूं, उसके बाद मैं सब्जेक्ट लेता हूं, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन, आगे क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस आर देयर। और दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछना है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस क्यों है? वहां पे अलग अलग तरीके की रूढ़ी और परंपरा क्यों है? व्हाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस? तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो।